नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुछी ओडिया फार्मिंग दुनिया को। आज वीडियो रे आमे जानिबा बाहाड़ा चाष संपर्क। एही बाहाड़ा फल कौन रही चाष करने द्वारा केते लाभ मिल पार, केते जमी रे केते परिमाणर खत सार दरकार, जलवायु कौन रहा, मृत्तिका केमिति रहिले एहा भलो चास होई परिबो, ए सब संपर्क रे आजिर वीडियो रे आमे आलोचना करिबा। तेनु वीडियो टिको शेष पर्यंत देखंतु एवं ता पूर्वरु सब्सक्राइब करिनंतु ओडिया फार्मिंग दुनिया को, पाखरे एसिथिबा बेल आइकन टिको प्रेस करिनंतु। तेबे बाहाडा गछर अनेक औषधीय गुण रहिछि। एहार फल ओ छालीरु औषध प्रस्तुत होइथाय। त्रिफला चूर्ण प्रस्तुति पई एही फल दरकार हुए। फळरे थिबा ट्यानिन को रंग पाई मध्य व्यवहार करा जाए। साबुन तथा प्रसाधन सामग्री प्रस्तुत पई बाहाडा फल दरकार होइथे। एही गछ 20-30 मीटर पर्यंत उच्चता पर्यंत बढ़िथाए। आम देशर जंगल मानकरे एही गछ प्रायतः नजर आसीथाए। तेबे एही गछ को जदि आपण व्यवसायिक भित्तिरे चाष करते, निहाति भाबरे एहा आपणको अनेक प्रकार लाभ दे पारे। तबे आसंतु जानिबा एथिपई कौन जलवायुर आवश्यकता रही। तबे बाहाड़ा गछर मरुड़ी सहनशील क्षमता रही। वायुमंडल उत्ताप 40 डिग्री सेल्सियस हेले मध्य एही गछ बढ़ी पारे। समुद्र पतन रु आरंभ कर 900 मीटर उच्चता पर्यंत स्थान रे एही गछ लगा जाय पारे। तबे आसंतु जानिबा केउ भली मूर्तिकारे एही चाष एही गछ को लगा जाय पारिबो। तबे बाली दोरसा माटी रे एही गछ भलो होइथाय। पानी जमी रहिले गछ भलो बढ़े नै, तेणु ए प्रति ध्यान रखंतु। बाली दोरसा माटी रे आपण ए गछ को लगांतु, देखिबे गछ भलो बढ़िबा सहित फल मध्ये देथे। वंश विस्तार संपर्क रे आसंतु आमे आलोचना करिबा। तेबे बाहाड़ा गछ मंजि द्वारा वंश विस्तार करे, बेले बेले स्ट्रम द्वारा मध्ये एही गछ लगा जायथे। सत्य तोला जाइथिबा मंजी को गरम पानी रे भिजा जाई तळी पट्टी रे पकाइबा को हुए। एथिरु प्राय 15 दिन परे गजा बाहरे, परे एहाको पॉलिथिन मुणी को स्थानांतर करा जाए। मंजी को सीधा सळख जमी रे मध्ये आपण लगाई पाइबे। तेबे आसंतु केमिति एहाको रोपण करिबे भल भाबरे जानि रखिबा, एवं जमी प्रस्तुति कोन करिबा आवश्यक। तबे धाड़ी को धाड़ी 5 मीटर और गछ को गछ 5 मीटर दूरतार बाहाड़ा गछ लगा जाए। एथिपाई 30 सेंटीमीटर लंब, 30 सेंटीमीटर ओसार एवं 30 सेंटीमीटर गभीरता गात करने को हुए। गात सढ़ा खत एवं निम पीड़िया भर्ती करने को हुए। एक एकर जमीन प्राय 20-25 क्विंटाल खत प्रयोग करने को पड़े। तेरे जानतु यही गछर कौन खत सार लगे। तबे चारा लगाइला बेले एकर प्रति 4 किलोग्राम जबखार, 10 किलोग्राम फसफरस, 10 किलोग्राम पटास प्रयोग करने को हेबो। एथिपई आपण 40 किलोग्राम एनपीके सार आवश्यक करिबे। तबे जलसेचन बाहाड़ा गछरे केमिति रहिबा आवश्यक, केते परिमाणर रहिबा आवश्यक चलंतु जानिबा। तबे चारा गछ लगाइला बेले माटी सुखिला थिले पानी मड़ाइबा उचित। शीत दिने और खरा दिने माटी आवश्यकता चाहिए पानी मड़ा जाई पारे। गछ 2-3 वर्ष होइतिबा बेले शाखा डल गुड़िक काटि देबा आवश्यक। तेणुक आपण माटी वतर देखिकी आपण जलसेचन करिबे। तबे सबुठ गुरुत्वपूर्ण होची गछरे कौन रही रोग पोक। तबे गछरे पत्रक्रिया पोक लागंती, बेले बेले केतक शोषक कीट लागि थांती, फळरे गछरे वृद्धि बाधा प्राप्त हुए, अर्थात गछटिए बढ़ी पारे नाही। प्रति लिटर पानी सहित 2 मिलीमीटर प्रोफेकोस बा क्यूराकन किंबा डाइमिथियोट मिसाई स्प्रे कले कीट दमन होई पारिबो। अमल गछ लगाइबार 7-8 वर्ष पर फल अमल होते। साधारणतः जनवरी मसरे फल संग्रह करा जाए। गोटे बड़ गछर हाराहारी 3-4 क्विंटल सुखिला फल मिल। थे लगे यही गछ 100 वर्ष पर्यंत अमल देता है। तेणुक आपड़ जदि यह गुरुत्व दे चाष करते, निहाती भाव में लाभजोग हो पारे। कारण हरिड़ा बाहाड़ा हो जाओ ए सब जिनस जो चाहिदा रही अधिका एवं यार मूल्य भल पाइपर। तेणु आशा करूँ चाषी भाई मैंने सबू दिग प्रति ध्यान दे, जदि चाषटी करते गछर जत्न नि
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଶହେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମିଂ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।